हेलो फ्रेंड्स, ट्यूब टॉक के बॉलीवुड फटाफट में आपका स्वागत है, जहां पर हम आपके लेकर आते हैं बॉलीवुड की सबसे लेटेस्ट न्यूज, योर डेली डोज ऑफ बॉलीवुड। बॉलीवुड और टीवी जगत के लिए पिछले कुछ महीने किसी हादसे से कम नहीं रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद अब टीवी एक्टर सुशील गौड़ा की आत्महत्या का केस सामने आया है। सुशील गौड़ा जो कि एक टीवी एक्टर हैं कन्नड़ फिल्म्स में, उन्होंने अपने फार्म हाउस में कल आत्महत्या कर ली। सुशील गौड़ा के पास लॉकडाउन के बाद से काम नहीं था और तब से वो लो ऑन कॉन्फिडेंस थे। हालांकि इस वजह से उन्होंने सुसाइड किया है, इस पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं आई है। सुशील गौड़ा की एक मूवी सलागा अभी रिलीज के लिए बिल्कुल तैयार थी और मार्केट में बस उतरने ही वाली थी, जिससे पहले ये दुखद खबर आ गई। एक एक्टर होने के अलावा सुशील गौड़ा एक फिटनेस ट्रेनर भी थे और अपनी बॉडी पर अच्छा खासा एक्ट करते थे और अपने साथ वाले टीवी एक्टर्स की भी काफ़ी सहायता किया करते थे। उनके मरने के बाद पूरा सोशल मीडिया एक शोक में डूब गया और उनको इंट्रोड्यूस करने वाले एक प्रोड्यूसर ने ये कहा कि सबसे पहले जब मैंने उन्हें देखा था तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो एक बहुत बड़े सुपरस्टार एक्टर बनेंगे, लेकिन उनकी लाइफ जर्नी 30-32 साल में ही छोटी हो गई। जहां सुशील गौड़ा की मौत के बाद पूरा ट्विटर शोक में था, वहीं यूट्यूब पर सुशांत सिंह राजपूत की नई मूवी दिल बेचारा के ट्रेलर ने आग लगा दी। जी हाँ, 6 जुलाई को रिलीज हुए दिल बेचारा के ट्रेलर, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत ने लीड का काम किया है और ये उनकी आखिरी मूवी है, उसने YouTube के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सुशांत सिंह राजपूत के सुइसाइड के बाद इस मूवी की काफ़ी एंटिसिपेशन थी और उसके ट्रेलर को उस उम्मीद से ज़्यादा बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स मिला। जी हाँ, 16 घंटे में इस मूवी ट्रेलर ने 21 मिलियन व्यूज़ किए और जिसमें 4.5 लाख लाइक भी मौजूद थे। दिल बेचारा ने जिस मूवी ट्रेलर के रिकॉर्ड को ब्रेक किया है, उसका नाम है एवेंजर्स एंड गेम, जिससे पहले 24 घंटे में केवल 3.2 मिलियन लाइक्स मिले थे, तो उससे कहीं ज़्यादा दिल बेचारा को व्यूज़ ऑलरेडी लाइक्स मिल चुके हैं। इसके अलावा इसके प्रोड्यूसर ने यह बताया कि सुशांत सिंह राजपूत ने दिल बेचारा का साइन ऑफ बिना स्क्रिप्ट सुने ही कर लिया था और वो जाने से पहले अपना पूरा वादा करके गए हैं। ये मूवी अब 24 जुलाई को रिलीज़ होगी OTT प्लेटफॉर्म्स पर डायरेक्ट। हॉटस्टार पर हम इसको देखेंगे, हॉटस्टार के VIP सेगमेंट में। जहां हॉलीवुड में बेहिसाब उठापटक चल रही है, वहीं प्रियंका चोपड़ा हर दिन के साथ हॉलीवुड में अपने पैर जमा रही हैं। उनकी इस कोशिश में एक और कड़ी तब जुड़ गई जब ये खबर आई कि प्रियंका चोपड़ा अब काम करेंगी हॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म की सीरीज मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स, जिसके अब तक 3 पार्ट रिलीज हो चुके हैं और उसका 4th पार्ट अब आएगा 2022 में। लीड में होंगे हॉलीवुड के हार्टथ्रॉब कियानो रीव्स और प्रियंका ने इसके अलावा हाल ही में अमेजोन के साथ भी 2 साल की एक मल्टीमिलियन डील साइन की है। जहां प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड में अपने पैर जमा रही हैं, वहीं आलिया भट्ट ने अपनी आने वाली फिल्म सड़क 2 का अनाउंसमेंट किया, जो इसी महीने OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है। सड़क 2 का पोस्टर रिलीज करते ही उनके कई फैंस ने उन्हें ट्रॉल करना शुरू कर दिया नेपोटिज्म के नाम पर और उनकी अच्छी खिंचाई की। ये देखते हुए उन्होंने अपना कमेंट सेक्शन ब्लॉक कर दिया, पर नेटिजन्स कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने उनकी माँ सोनी राजदान के पेज पर डराकर ट्रोलिंग शुरू कर दी और आखिर उन्हें भी अपना ट्विटर कमेंट ब्लॉक करना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, इस नेपोटिज्म को लेके आजकल बहुत खिंचाई हो रही है। सड़क 2 को नेपोटिज्म मीटर, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की एक ऐप है नेपोटिज्म मीटर ऐप, उसने 98% नेपोटिज्म की रैंकिंग दी थी। इसके चलते सड़क 2 का रिस्पॉन्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने के बाद कैसा रहेगा, ये तो हमें देखना पड़ेगा, लेकिन अभी काफ़ी जनता बॉयकॉट बॉलीवुड को सपोर्ट कर रही है। जहां नेपोटिज्म की बॉलीवुड में बातें बढ़ती जा रही हैं, वहीं नेपोटिज्म से रिलेटेड एक नाम बार बार जो सामने आया है वो है विद्युत जामवाल का। विद्युत जामवाल और श्रुति हसन की नई मूवी यारा का ट्रेलर भी रिलीज हो गया है, जो कि 30 जुलाई को Z5 पर रिलीज होने वाली है। इसका ट्रेलर रिलीज हुआ यूट्यूब पर, साथ ही साथ Z5 पर। ट्रेलर के रिलीज के बाद विद्युत जामवाल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी और कहा, इंतजार करिए हमारी नई एक्शन थ्रिलर मूवी का। यारा रिलीज होने वाली है 30 जुलाई को Z5 पर और ये कहानी है 4 दोस्तों की, जो कि बचपन से बुढ़ापे तक साथ रहते हैं और उसके बीच में वो कई अपराध करते हैं। इसके डायरेक्टर हैं जाने माने तिग्मांशु धूलिया, जिन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी मूवीज को भी डायरेक्ट किया है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का बॉलीवुड फटाफट ट्यूब टॉक की तरफ से। हमें सब्सक्राइब करके ऐसे ही अपना प्यार देते रहें और हम कल हाजिर होंगे नए बॉलीवुड अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रॉम ट्यूब टॉक सब्सक्राइबर्स। थैंक यू।